जय दोस्तों वंदे मातरम। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, ये डिसाइड करने वाले आप होते हैं। आपकी मेंटालिटी इस बात को डिसाइड करती है कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। अब आप सोचोगे कि भाई शुरुआत में ही वीडियो के इतनी ज्ञान पेली क्यों की जा रही। तो देखिए, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला निकल कर आया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बंगाल सरकार को अब बैन हटाना पड़ेगा केरला स्टोरी पे से। अच्छी बात है ये तो, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने डिस्क्लेमर भी लगाने के लिए कहा। साथ ही साथ उन्होंने 32,000 वाली बात को नकारने के लिए भी फिल्म मेकर को बोला कि नहीं, आप इस बात को बोलिए कि ये बात सही नहीं है। इसके साथ ही ये भी बोला गया कि आप बोलिए कि ये एक सच्ची घटना का काल्पनिक रूपांतरण है। काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई कि भाई ये डिस्क्लेमर्स में आप लगाइए, उसके बाद मूवी चलाइए। और बंगाल सरकार को निर्देश दिए कि भैया आपका काम है सुरक्षा प्रदान करना, लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि उनको कौन सी मूवी देखनी है या नहीं देखनी। और अगर जिनको मूवी नहीं देखनी, जिनको की मूवी से परेशानी है, तो बिल्कुल ना देखें मूवी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर निर्माता और अदाकारों ने एक मूवी के ऊपर मेहनत करी है, तो कुछ मुट्ठी बंद लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मूवी दिखाई जाएगी या नहीं। भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई देते हुए यहाँ पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी यही बात कही है कि भाई आपको मूवी दिखानी पड़ेगी। अब ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, उसकी बात करते हैं। दरअसल बात ये आ रही है अब निकल कर कि कई लोग बोल रहे हैं कि भैया ये तो केरला स्टोरी के ऊपर तमाचा है। क्यों तमाचा है भाई? तमाचा इसलिए है क्योंकि पहले जो लोग बोल रहे थे नहीं भाई एक असली कहानी है, 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ है और फलाना ढिमका, 10 तरह की बातें चल रही थी, उन लोगों के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारते हुए बोला कि भैया डिस्क्लेमर लगाओ, आपकी कहानी जो है सच्ची नहीं है। मान लिया, बोल तो नहीं है सच्ची, बैन तो हट गया, देखा है, अब दिखानी तो पड़ेगी ना सरकार को मूवी। तो सीधी सी बात है भाई, पब्लिक तक जो जागरूकता पहुंचनी है वो तो पहुंचेगी। तुम लड़ते रहो इस बात के ऊपर कि कहानी सच्ची है या झूठी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मूवी अब रिलीज होगी, लोग अधिक से अधिक मात्रा में इसको देखेंगे, प्लस जो मार्केटिंग हो रही है वो तो अलग है ही। तो ऐसे में जिन लोगों को ग्लास आधा खाली दिख रहा है वो उसको खाली ही रहने दे, जो बचा हुआ आधा है हम उसी में संतुष्ट हैं भाई। क्योंकि हम संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि संतुष्टि भी 200 करोड़ की होने वाली, कम की नहीं। जी हाँ, अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो इसका जो कलेक्शन है करीब करीब अब 200 करोड़ रुपए टच करने वाला है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, और उसके बाद हम जानेंगे कलेक्शन के बारे में कैसा क्या कलेक्शन इस मूवी का निकल कर सामने आ रहा है। अगर हम लोग मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की ही बस बात कर लें, तो CGI ने टिप्पणी की कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। मतलब अब जो ये सर्टिफिकेट वाला मामला है उसके ऊपर सुनवाई 18 जुलाई को होगी। अब साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। ऑब्वियसली बात है, लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब फिल्म को लेकर अगली सुनवाई जो है उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि भैया अगली सुनवाई होगी 18 जुलाई को। ऐसे में कल यानी कि 18 मई को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील हरीश सालवे ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में सुनवाई के दौरान इस फिल्म पर बैन लगाने वाली मांग की एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म को असली जैसा प्रोजेक्ट किया गया, मतलब कि यहाँ पर जो एक कहानी है वैसे दिखाई गई कि असलियत में हुई है और डिस्क्लेमर में कुछ और है, ऐसा नहीं किया जा सकता। इस पर CGI ने फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील हरीश सालवे से पूछा कि ये 32,000 के आंकड़े को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इसके बारे में ज़रा बताइए। सालवे ने कहा कि कोई प्रमाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि घटनाएं हुई, ये विवाद का विषय नहीं है। इसके बाद CGI बोले, लेकिन यहाँ फिल्म कहती है 32,000 महिलाएं गायब हैं, एक डायलॉग है इसमें ऐसा, ठीक है। सालवे ने जवाब दिया कि हम डिस्क्लेमर में ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि कोई प्रमाणिक डेटा उपलब्ध नहीं है। बात खत्म, क्लियर हो गई बात। फिल्म द किलर स्टोरी पर पाबंदी लगाने को लेकर उठे विवाद पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दंगे की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया। इसके जवाब में CGI ने कहा, कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, आप इसका हवाला देकर ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि नहीं मूवी बैन कर दो आप। प्रोड्यूसर की तरफ से हरीश सालवे ने कहा कि फिल्म के टीजर जिसमें कि 32,000 लड़कियों को निशाने पर बनाए जाने वाली बात कही गई थी उसे हटा दिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने भी फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, उस हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर में ये बात लिखी है कि CGI ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना ही राज्य की जिम्मेदारी, नहीं तो ऐसा तो हर कल को हर किसी फिल्म के साथ होने लगेगा। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि भाई मूवी जो है 5 से 8 मई तक चली थिएटरों में, हमने इसे बंद नहीं किया, हमने सुरक्षा भी मुहैया कराई। खुफिया रिपोर्ट से गंभीर खतरे की जानकारी मिली, उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ी चालाकी से फिल्म में बताया गया है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं, जबकि इसी फिल्म में उसके बाद 2 बार सच्ची घटना बताई गई। उन्हें जवाब देते हुए CGI ने कहा कि आप लोगों की असहिष्णुता मतलब कि इनटॉलरेंस के आधार पर फिल्म बैन करने लगे तो सिर्फ कार्टून या खेल ही दिखा पाएंगे। मतलब ऐसे तो कल को अगर मुझे किसी दूसरी मूवी से ऋतिक रोशन की मूवी से वॉल 2 से दिक्कत हो गई तो क्या उसे बैन करवा देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब पूरे देश में फिल्म चल सकती है तो पश्चिम बंगाल में आखिर क्या समस्या है। अगर किसी एक जिले में कानून व्यवस्था की समस्या है तो वहाँ फिल्म बैन करिए। CGI ने ये कहा कि एक फिल्म में समस्या होगी तो सभी जगह प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये जरूरी नहीं है कि सभी जगह डेमोग्राफिक समस्या एक जैसी है, उत्तर में अलग है, दक्षिण में अलग है, तो इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, इन सब बातों के बीच में अब कलेक्शन का डेटा भी निकल कर सामने आ ही गया। कलेक्शन का डेटा के ऊपर भी कोर्ट ने कहा कि जब मूवी पूरे देश में कमाई कर रही है तो फिर एक राज्य में आखिर इतनी समस्या कैसे हो रही। जाहिर सी बात है, तो अगर हम कलेक्शन की बात करें तो भाई कल जो कलेक्शन हुआ है, जो अर्ली एस्टिमेट से निकल कर सामने आया, उसे बताया जा रहा है 6.5 से 7 करोड़ रुपए का इस मूवी ने बिजनेस किया है। अभी भी मतलब 5 करोड़ से ज्यादा ही चल रहा है। दूसरे हफ्ते के अपने आखिरी दिन के ये कलेक्शन बता रहा हूँ मैं इस मूवी का, और शुक्रवार के जो अर्ली एस्टिमेट से निकल कर सामने आ रहे हैं वो भी इस मूवी का 6 करोड़ के कलेक्शन की पूरी गवाही दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस मूवी का कलेक्शन आज की तारीख में 6 करोड़ हो जाता है, मतलब कि तीसरे हफ्ते के पहले शुक्रवार को यदि ये मूवी 6 करोड़ का कलेक्शन करती है तो इसका कलेक्शन 180 करोड़ हो जाएगा। अब ऐसे में भैया इस मूवी को कलेक्शन के लिए चाहिए मात्र 20 करोड़, जिसके की बात है 200 करोड़ को फाइनली टच कर जाएगी। अब शनिवार रविवार को कैसी क्या फुटफॉल आती है ये तो शनिवार रविवार को देखने पर ही पता चलेगा, लेकिन जो मैंने शुरुआत में बात कही थी, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, ये देखना आपका काम है। मैं यहाँ पे आधा भरा हुआ क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि भले ही आप मेरे से डिस्क्लेमर लगवा लीजिए, भले ही आप बोल दीजिए कि हाँ आप डिस्क्लेमर लगाइए और आपने बताइए कि आपने ये घटना जो है काल्पनिक है और ऐसा रूपांतरण है सब चीज़ें, पर मैं वहाँ पर यही मानूंगा कि भाई मैं एटलीस्ट मूवी दिखा पा रहा हूँ, एक ऐसी मूवी जो कि एक ऐसे मुद्दे पर बनी हुई है जिसको कि देखना पब्लिक के लिए वाकई में ज़रूरी है। और अगर इसमें मैं सफल हो रहा हूँ, भले ही उसके लिए मुझे 2 कदम पीछे क्यों ना लेने पड़ रहे हों, तो मुझे चलेगा। भाई जो नफरती चिंटू इस बात के मुगालते बैठे हुए हैं कि भाई अब तो आपकी मूवी घटिया है, अब तो आपकी मूवी काल्पनिक है, अब तो आपको लगाना पड़ गया, बोलते रहो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। जिनको मूवी देखने जाना है, जो इस मूवी को देखने जा रहे हैं, उनको पता है कि इस कहानी में क्या है और इस कहानी में क्या कुछ दिखाया गया है, उनको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और रहे नफरती चिंटुओं की बात, तो उनको मुझे सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सभी एक ही समाज का हिस्सा हैं, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आपके लिए बात बोल दी, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की, सीधी सी बात है। अच्छा, केरला स्टोरी के अलावा इस समय कई सारी मूवीज और भी थिएटर्स में चल रही हैं। अगर पब्लिक उनसे भी ऐसा ही कनेक्ट फील करती तो मुझे ऐसा लगता है वो मूवीज़ भी चल रही होती। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का, लेकिन हाँ आप भी जानते हैं थिएटर्स में भी कौन सी नई मूवीज रिलीज हुई हैं और वो पैसे नहीं कमा पा रही हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई मूवी पैसा कमा रही है, मतलब सीधे से ये है ना कि पब्लिक उसको पसंद कर रही है। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में आते हैं। जय हिंद, जय भारत।